हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। और दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th मैथ स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन जो हमारे हैं वो जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशियंट्स का जो रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। वहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको उस लेक्चर में भी करा दिए थे, बट थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आफ्टर दैट हम लोगों का जो रिलेशन बिटवीन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन है, उसको भी हम ड्राइव करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसको मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से मैं फाइनली आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें कि कैसे थी यहाँ पर। सपोज दैट पी एक्स, नंबर वन पी एक्स हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म हमने ये लिखी हुई है। यहाँ पर ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और हमने लेट किया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम आपके दो जीरोज हो सकते हैं, वी कंसिडर दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो इन जो रियल जो आपके जीरोज हैं इनका जो सम था, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, जो सम ऑफ जीरोज था, ठीक है ना, वो किसके इक्वल था, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। माइनस बी यहाँ पर क्या है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी। नंबर टू जो प्रोडक्ट है हमारा अल्फा बीटा, वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। सी का मतलब यहां पर कांस्टेंट टर्म से, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस यहां पर किया था, ठीक है ना। यानी जीरो यानी अल्फा बीटा और कोफिशिएंट ए बी सी के बीच में जो रिलेशन था वो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया। तो नंबर वन पॉइंट ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर, इसको भी आप याद रखिएगा। नंबर सेकंड जो मैंने डिस्कस किया था, हमने लेट किया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर वो जीरोज हैं, तो अगर मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज दैट वो पी एक्स है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर सिर्फ हमें जीरोज दिए गए हों और हमसे कहा गया हो कि आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करिए, वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो जो अभी मैंने अभी पॉइंट वन आपसे डिस्कस किया है, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने जीरोज उसके फाइंड आउट किए थे, सपोज वो अल्फा बीटा हमारे आए हैं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन था वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया या आपको बताया था कि वो रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर टू हमारा जो है, यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको जीरोज पता है, और विद द हेल्प ऑफ जीरोज वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर से ध्यान हो तो वो हम लोग इस तरह से लिखते थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अगर वो पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है, तो वो पी एक्स इक्वल टू हम किस तरह से करते थे, अल्फा और बीटा अगर उसको जीरोज हैं तो एक्स के साथ अपोजिट साइन में, यानी अल्फा अगर पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा, बीटा माइनस बीटा, और बाहर के अप्लाई कर देते थे, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते थे, ये लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कस हो चुका है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी के एक्स स्क्वायर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। इस कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे ये कैलकुलेशन आ गई है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने के बाद, एक्स कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारा अल्फा बीटा बचेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी फाइनली अगर मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो वी कैन राइट के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज, इस तरह से आप इसमें भी लिख सकते हैं, इनटू एक्स, और प्लस जो अल्फा बीटा है इसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड ब्रेकेट क्लोज, ये आपका आ गया यहाँ पर। तो दो पॉइंट मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और इसको मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि कैसे हम उनमें जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, या फिर जीरोज हमें दिए गए हैं तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन्हीं पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एनी फॉर्मूलों पर बेस्ड, वो किस तरह से देखिए जरा आप यहाँ पर।
यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4s² - 4s + 1, ये हमें क्या दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया है, ठीक है ना। इसका हमने क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर x की जगह पर s है तो यहाँ पर इसको ps बोलेंगे, यानी पॉलीनोमियल इन s, लेट किया हमने इसको कितना ps, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा पहली चीज। दूसरा, अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए फॉर जीरोज ऑफ ps हम पूरी वैल्यूज को, जो आपकी पॉलीनोमियल की जो वैल्यूज है 4s² - 4s + 1, इसको इक्वल टू जीरो लेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जीरो लेट करने के बाद फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, जो भी हमारा रूल है, तो वी कैन राइट 2 + 2s + 1 = 0, 4s² - 2s - 2s + 1 आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इस पर मैं आपसे। 2s - 1 = 0, यानी 2s - 1 = 0, बड़ी आसानी से आप बोल सकते हैं 1/2, और यहाँ पर भी s = 1/2, यानी 2s - 1 = अगर 0 होगा तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2 लिख सकते हैं आप। सिमिलरली यहाँ पर भी s 1/2, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों जीरोज इक्वल हैं, तो पॉसिबल है ऐसा, दोनों जीरोज इक्वल भी हो सकते हैं, और कई बार ना इसको हम 1/0 भी बोल देते हैं, कि सिर्फ इसका 1/0 होगा 1/2, लेकिन 1/2 अगर हम 1/0 बोल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, दैट मीन्स इसका सेकंड जीरो भी आपका 1/2 ही होगा, इसको भी याद रखना। तो यहाँ पर तो ये हमारे जीरोज आ गए, ठीक है ना। अब हमें क्या है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ PSR 1/2 and 1/2, ये तो यहाँ पर जीरोज आ गए आपके, बड़ी आसानी से लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो c/a के इक्वल होगा, ये भी जो है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका, इसका वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरो जो है वो -b/a के इक्वल होगा। तो देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, सम ऑफ जीरो यानी 1/2 + 1/2, हमारे जीरोज 1/2 हैं, ऐड अगर हम करेंगे तो बड़ी आसानी समझ सकते हैं 1 आ जाएगा हमारा, और ये वैल्यू हमारी -b/a के इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, -b/a। तो इसमें मैं ट्रिक, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी ट्रिक, मैं इस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ट्रिक क्या है, हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और ए बी सी की सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। ए यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, जो एस स्क्वायर का कोफिशेंट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एस का कोफिशेंट ये बी हो जाएगा हमारा, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो नंबर वन -b/a की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, नंबर टू c/a की, -b/a और c/a की हमारा क्या होगा, ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि h पर रिक्वायरमेंट, ये वैल्यू हमारी -b/a के इक्वल होनी चाहिए। अब हमें तो पता नहीं है -b/a की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -b/a की वैल्यू निकालेंगे, रफ वर्क है आपका, फिर उसके बाद कैसे लिखते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो माइनस बी की वैल्यू -4 और ए हमारा 4, और आप देख सकते हैं 1, ये 1 के इक्वल है, यानी ये 1 जो है वो -b/a के इक्वल है, यानी दैट मीन्स ये वैल्यू -b/a के इक्वल है। लेकिन इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, यानी अगर 1 तक तो हम पहुंच ही गए हैं यहाँ से, फिर इसको हम -4/4 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू माइनस, ये v की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, यानी सम ऑफ जीरोज आपका -b/a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं अगर इसको इस तरह से रफ वर्क अगर नहीं करता तो मुझे क्या पता कि 1 को हम कैसे लिखते हैं, और अगर आप फिर से कोफिशेंट पर जाते तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रिक बता दी जिसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं देखकर, ठीक है ना। फिर सेकेंडली मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 1/2 × 1/2, जो कि 1/4 के इक्वल आएगा, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें कहीं ऐसे समझाने वाली या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो c/a यहाँ पर फिर से देखेंगे, c हमारा कितना है 1 और a कितना है 4, तो c/a किसके इक्वल आया 1/4 के, और ये हमारा 1/4 है, दैट मीन्स इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट c यानी 1 जो है वो c है और हमारा 4 है, तो ये हमारा क्या आ गया, वेरीफिकेशन हो गया, यानी कि जो आपके जीरोज हैं वो कोफिशेंट के साथ -b/a और c/a के इक्वल आने चाहिए, वो इसमें आपने वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज -b/a हमारा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन एक इसका लेता हूँ यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 4u² + 8u, हमने यहाँ पर लेट किया pu, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर u में है तो u में लेट कर लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कॉन्स्टेंट टर्म हमारा मिसिंग है,
एक्चुअली कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग होने का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है अभी, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है तो फिर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। आपको पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम तभी अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में जब आपका एक्स स्क्वायर का टर्म भी लिखा हुआ है, स्क्वायर वाला टर्म भी लिखा हुआ है, वन वाला भी लिखा हुआ है, एक्स वाला टर्म भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट भी लिखा हुआ है, देन भी अप्लाई द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना नहीं है, बट हमें फैक्टराइजेशन तो इसको करना ही करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए देखिए, फैक्टराइजेशन में कर रहा हूँ सबसे पहले, उससे पहले फॉर जीरोज ऑफ पी यू, यानी जीरोज अगर हमें निकालना है तो 4u² + 8u = 0, ये हमने इक्वल टू जीरो लिख लिया। अब हमें लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का पहला रूल ही है कॉमन, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे, देखिए एक तो 4 कॉमन है और यू स्क्वायर से u कॉमन है, तो यहाँ पर u प्लस टू बच जाएगा। 4 जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल तो u प्लस टू होगा, यानी इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि 4 को हमने 0/4 भेज दिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0/4 जीरो हो जाता है। रीजन एक्चुअली ये है कि 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इन दोनों की वजह से ये 0 होगा, तो इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। फिर से वही रूल, अगर यू इक्वल टू 0 है तो यू 0 आ जाएगा, और अगर यू प्लस टू इक्वल टू 0 है तो यू इक्वल टू -2 आ जाएगा आपका। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ पी यू आर 0 और 0 एंड -2। सबसे पहले जीरोज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, यानी जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे, 0 एंड -2। ओके, अब फिर से हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा कि यानी कि इनका जो सम है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो आपका c/a के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आप जरा यहाँ पर इसको एरेंज करके मैं कुछ स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। वेरिफिकेशन में आपका सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं यहाँ पर। सम ऑफ जीरोज आपका 0 + -2, यानी किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। फिर वही आपका रब वर्क यहाँ पर फिर से स्टार्ट होगा, और रब वर्क में सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारा 4 है, बी 8 हो जाएगा, और सी हमारा नहीं है तो उसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नंबर वन क्या फाइंड आउट करना है, -b/a, तो -b कितना है 8 और ए कितना है 4, कैंसिल भी कर सकते हैं -2। और सेकेंडली हमें क्या वेरीफाई करना होता है, c/a, अभी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो आप ये देखिए जो सम ऑफ जीरोज है, क्या -b/a यानी -2 के इक्वल है आपका, यस -2 के इक्वल है। और -2 को हमें क्या लिखना है यहाँ पर, -8/4, और -8 बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, -8 हमारा b है, और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और a हमारा 4 क्या है, हमारा a है। तो यानी सम ऑफ जीरोज आपका -b/a के इक्वल आ गया, ठीक है ना। नंबर सेकेंड आपका आता है इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब 0 - 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू c/a के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम c/a फाइंड आउट कर रहे हैं। c कितना है, 0, a कितना है 4, जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 0 आ रहा है, बट 0 को हमें 0/4 लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको c/a लिख सकते हैं। अगर हम इसको 0/a नहीं लिखते हैं तो c/a लिखना थोड़ा सा, c तो 0 हो गया बट a क्या है, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे, वैसे तो आपने यहाँ पर वेरीफाई किया ही हुआ है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, c हमारा ये 0 c हो गया, और 4 हमारा जो है वो a हो गया, तो 0/4 इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको। 0 हमने कर लिया था, इसको ऐसे लिखना है, फिर इसको ऐसे लिख देना है, ऐसे आप यार रिकॉल कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं इसको, आप मेमोराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है हमारा इसी तरह से t² - 15, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए थे ये आपके। थर्ड t² - 15, ये हमारा पॉलीनोमियल t में है, pt। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि t वाले टर्म मिसिंग है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट टर्म आपका मिसिंग था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे, जीरोज निकालेंगे, उसके लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो फॉर जीरोज ऑफ pt, t² - 15 = 0, ठीक है ना। फैक्टराइज करिए आप इसको, t² - √15² a² - b² अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही दिख रहा है हमें ये a² - b² बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम t + √15 और t - √15 ये लिख सकते हैं। तो t = हो जाएगा हमारा -√15, अगर t + √15 = 0 होता है, और t = यहाँ से √15, तो देयरफॉर जीरोज ऑफ pt आर -√15 and √15, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अब तो याद भी हो गया होगा ये सारा का सारा। उसके बाद वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
कि अगर मुझे वेरीफाई करना है तो कैसे करना है, वेरीफिकेशन, वेरीफिकेशन बिकॉज फिर से सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं हम यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारा एक माइनस रूट 15 था और प्लस रूट 15 था जिसको इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आपका रबर के स्टार्ट करेंगे हम, ये ट्रिक है सिर्फ आपकी, ए बी सी लिखेंगे हम यहाँ पर, ए आप देख सकते हैं 1 हो जाएगा, बी जो है वो टी का कोफिशेंट होता है वो नहीं है तो वो जीरो होगा और सी इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताऊँ, टी स्क्वायर का कोफिशेंट ए, टी का कोफिशेंट बी, लेकिन टी नहीं है तो फिर वो जीरो हो जाएगा और कॉन्स्टेंट हमारा जो सी है वो माइनस 15 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब नंबर वन, अगर मैं यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए फाइंड आउट करता हूँ, माइनस बी अपॉन ए ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी जीरो को आपको माइनस जीरो अपॉन 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये रबर क्या आपका, अब यहाँ पर माइनस जीरो आपका क्या हो जाएगा बी और 1 क्या हो जाएगा आपका ए, वेरीफाई हो रहा है आपका, देखिए यानी माइनस बी अपॉन ए जीरो है और ये भी जीरो है, दैट मीन्स ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेकेंड, अगर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना हो तो वहाँ पे सी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 15, सिंपल सी कैलकुलेशन है, रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अब फिर से चेक करते हैं सी हमारा कितना है, माइनस 15 अपॉन 1 और ये माइनस 15 के इक्वल ही है, तो माइनस सी यानी माइनस 15 अगर आ रहा है तो वो वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू माइनस 15 ही है, बस इसको माइनस 15 अपॉन 1 कर देना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये वेरीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, इसको आप खुद से कर सकते हैं, ये वही सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वाड्रेटिक का आपको समझ में आ गया होगा कि जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में किस तरह से रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको पढ़िए जरा, इसमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरोज आर, यानी जीरोज आपको दिए गए हैं, हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। अभी इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि वो फार्मूला क्या है, इस वीडियो को स्टार्ट किया था जब मैंने, स्टार्टिंग में ये फार्मूला हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या जीरोज हैं, इनको जीरोज को मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिया, यानी पहला जीरो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा, यानी 1/4 और -1, ठीक है ना। हमारे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर आपको फाइंड आउट करना है उसको नोटेशन हम लोगों ने पी एक्स दिया था, और के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था हमारा, यानी कि अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको पहले, या इसमें रखकर भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है प्लस, तो 1 - 4/4, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप लोग समेशन उसका, और प्रोडक्ट अगर करना है तो 1/4 - 1, यानी कितना हो जाएगा -1/4, ठीक है ना। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा -3/4 एक्स और प्लस अल्फा बीटा -1/4, ठीक है ना। इसको के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x -1/4, इसमें इस तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। और हम 4 जो है, ठीक है ना, उसका डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइक इसको हम डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, यानी 4x² + 3x - 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप k की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते रहिए, यहाँ पे k जो आपका है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, आप k की वैल्यू कुछ भी पुट करिए यहाँ पर, आपको डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिलते जाएंगे, ठीक है ना। और इसका मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ऐसा नहीं है कि 1/4 और -1 सिर्फ ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसी के होंगे, देयर आर सो मेनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरोज आर 1/4 and -1, इसको आप k की वैल्यू चेंज करते रहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिफरेंट पॉलीनोमियल मिल जाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, असल में क्या होता है बच्चों ना, इसको यही मान लेते हैं कि सर दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरोज आर 1/4 and -1, नो डाउट दिस इज डेफिनेटली ये होगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज 1/4 और -1 होंगे, सो मैनी, यानी आप के यहाँ पर क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आप के की वैल्यू, क्योंकि जब जीरोज निकालते हैं एक्चुअली तो ये वाला जो टर्म है वो इफेक्ट ही नहीं डालेगा, जीरोज तो इसी फैक्टर की वजह से आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी लिखिए आप, लेकिन अगर कुछ भी लिख रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई अगर आप अंदर कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल तो डिफरेंट हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक सिर्फ यही है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं। इसी तरह से मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें आप अल्फा बीटा मान के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करिएगा और वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दीजिएगा। और मैं आपको बताऊँ, मे बी पॉसिबल कि अल्फा बीटा आपको जीरो हो जाए, ये वाला टर्म ना हो, जीरो बच जाए, तब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ये वाला टर्म भी जीरो हो सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये वाला टर्म जीरो हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल्स की वो टू होनी चाहिए, ये वाला टर्म आपका जीरो नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये बाकी के दो पार्ट जो हैं वो खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर उसके बारे में आप डिस्कशन होगा, ठीक है ना। किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उसको और वो रिलेशन क्या होगा, ये अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन एक आपका फोर वाला होमवर्क में हो जाएगा, सेकंड थर्ड भी इसके होमवर्क में आप कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तब बताता हूँ, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल और के कोफिशियंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑब्वियसली ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। लेट अगेन लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा बीटा गामा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपके थ्री जीरोज पॉसिबल हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। यानी जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं, तो अल्फा बीटा ये थ्री जीरोज, अगर थ्री जीरोज अगर दिए गए हैं तो वी कैन फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से? वी कैन राइट के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। आपको पता है कि के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखिए, इसके जीरोज अगर हमें फाइंड आउट करने तो हम इक्वल टू जीरो लेंगे और वो जीरोज ड्यू टू दिस यानी इसकी वजह से आएंगे, के कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो के की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर के लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ओके। एंड नाउ एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे के, तो एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस बीटा गामा एक्स, फिर इसके साथ करेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और इसके साथ करेंगे प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर अल्फा बीटा का होगा तो प्लस, ठीक है हाँ, प्लस अल्फा बीटा एक्स और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो के एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के टर्म, एक आपका ये टर्म दिया गया एक्स स्क्वायर का, एक ये दिया हुआ है दो और एक ये दिया हुआ है, थ्री टर्म्स दे रखे हैं, तीनों ही माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेके वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स के टर्म की बारी आती है, एक्स के टर्म्स, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, एक्स दिस वन एंड दिस वन, और तीनों ही पॉजिटिव हैं, और एक्स कॉमन अगर आप लेते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ओके एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारा लास्ट में लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा ये, और वी नो दैट दिस वैल्यू यानी पी एक्स जो है ये जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया है बिकॉज ऑफ ये जो अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्विवेलेंट टू दिस यानी इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि पी एक्स की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिए जरा ध्यान से कि जो अल्फा बीटा गामा हमारे जो जीरोज हैं वो किस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ना। तो जब हमने अल्फा बीटा गामा से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया बाय एनी प्रोसेस, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं चाहे तो कि अगर हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज निकाल लें तो इक्वल टू जीरोज लेंगे, वहाँ पे जीरोज अल्फा बीटा गामा आएंगे, तो उसको भी ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और के क्यों लिखा हुआ वो आपको पता है यहाँ पर, तो ये
जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम के का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर कोफिशेंट को, ऑन कंपेयरिंग जरा आप देखिएगा, द कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, अगर कंपेयर करते हैं। ऊपर थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स क्यू का कोफिशेंट ए है और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो के हो जाएगा, के एक्स क्यू। यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर अगर माइनस के का मल्टीप्लाई, अगर के का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट सी है और यहाँ सी का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और के का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बन जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से डी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, के का अगर मल्टीप्लाई करते तो माइनस के अल्फा बीटा गामा यहाँ से, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके स्पेस बना रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना, बी अपॉन ए, तो बी यहाँ पर कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ए की वैल्यू के से के कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर भेजिएगा आप, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका रिलेशन आ गया। यानी ये क्या है आपका, सम ऑफ जीरो, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ जीरो हमारा जो होगा माइनस बी, हम आसानी से समझ सकते हैं, हटा दिया है इस तरह से, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी हमारा जो था वो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, ये सम ऑफ जीरोज का रिलेशन है। कब सम ऑफ जीरोज, ध्यान रखिएगा, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सी अपॉन ए फाइंड आउट करते हैं, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है वो के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये नंबर टू, चलो उसको बाद में कर लेंगे, प्लस गामा अल्फा अपॉन के, के से के कैंसिल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको अगर हमें थ्योरेटिकल लिखना हो, ठीक है ना, तो कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम, यानी बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम लिखा हो तो आप आसानी समझ जाइए ये हमारी किसके बारे में बात हो रही है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में बात हो रही है, अगर हमारे अल्फा बीटा गामा अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोज हैं तब। और ये इक्वल टू किसके, सी, आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर, सी क्या हो जाएगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहीं से हम डी अपॉन ए फाइंड आउट करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डी अपॉन ए नंबर थर्ड, तो डी माइनस के अल्फा बीटा गामा और ए हमारा के, के से के कैंसिल हुआ, माइनस ट्रांसफर करिए अल्फा बीटा गामा और माइनस डी अपॉन ए, फिर से अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर आपके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस डी की क्या है आपका वहाँ से कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट, और ए आपका कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से ये फाइनल फार्मूला हमारा जनरेट हो गया, ओके। तो ये तो बात हुई यहाँ पर, फॉर्मूला हमारा जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पर आपको ड्राइव करके बता दिया कि किस तरह से, अब इसको आपको क्या है मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये कहाँ से आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो हमारा है इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा हमारा जो है वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये तो आपका सारा डेरिवेशन हो गया, इसके बाद फाइनली एक जगह पर मैं ये सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है ना, अगेन फॉर मेमोराइजिंग, लेट हमने कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। उसके बाद लेट, अगेन लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी अगर पी एक्स के जीरोज हैं तो नंबर वन इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। नंबर टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, क्योंकि टू जीरोज का प्रोडक्ट कर रहा है आपका, ये सी अपॉन ए के इक्वल होगा। और नंबर थर्ड आपका
अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो माइनस डी अपॉन एक को, यानी कि माइनस प्लस माइनस सीक्वेंस भी आप यही याद रखिएगा, आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा अल्फा बीटा गामा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कैसे याद रखना, नंबर वन माइनस बी अपॉन है, फिर सी अपॉन है, फिर माइनस डी अपॉन है, ठीक है, वो याद रखने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे आप करते हैं उसको याद, मैंने तो ट्रिक बता दिया कि सीक्वेंस से याद करें, ऊपर नीचे ना करें, जब भी आप लिखें सीक्वेंस से ही, ऐसा ना हो कि अल्फा बीटा गामा इधर लिखें, फिर अगर इंटरचेंज करते हैं तो फिर याद करने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप वेरिफिकेशन करें या पैटर्न लिखें तो आप यही पैटर्न यूज रखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सबसे पहले आएगा, फिर अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर उसके बाद नंबर थर्ड अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। ये दूसरा फार्मूला हमारा जो लिखा था कि सपोज दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पी एक्स, कोई पी एक्स है उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब मुझे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना हो, तो अभी अभी देखिए ड्राइव किया था जब हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, एक्स माइनस अल्फा, मैं पहले तो बता दे रहा हूँ इसको, अब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं जैसा लिखा था, लेकिन फाइनल मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा जो जी, अब वीडियो रिवाइंड करके देखेगा, जो हमारा फाइनल क्यूबिक पॉलिनोमियल बना था वो इस तरह से बना था, एक्स क्यूब यानी प्लस फिर माइनस, ध्यान रखिए प्लस फिर माइनस, फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के बाद प्लस साइन, फिर दूसरा वाला जो आता है ये आपका फॉर मेमोराइजिंग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इनटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, प्लस के बाद फिर से माइनस, अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। यानी जीरोज अगर हमें दिए गए हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं कहूँगा आप लोगों से, ठीक है ना, लेंथी हो जाएगा और गलती के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखा हमने, पहले एक्स क्यूब तो आना ही है आपका, फिर सेकेंड माइनस आएगा साइन आपका, साइन देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट में चलते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट ये चलेगा, और सीक्वेंस हमारा सेकेंड नंबर से ही, एक्स क्यूब में नहीं लिखेंगे, एक्स क्यूब यानी सेकेंड नंबर का जो टर्म है उससे लिखना स्टार्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर अल्फा बीटा गामा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात है यहाँ पर फॉर्मूलों की। अब मैं एक क्वेश्चंस करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बुक्स में लिखे हुए हैं या पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दो लिखे हुए भी हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर कोई भी आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस टू, आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वन अपॉन टू, वन और माइनस टू, ठीक है ना। ये किस तरह से क्वेश्चन है, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें वेरीफाई करना है कि वन अपॉन टू, वन और माइनस टू, ठीक है ना, इसके क्या है, जीरोज हैं, क्या है ये आपके जीरोज हैं, पहली चीज। और उसके बाद इसका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, यानी अगर मैं सपोज दैट इसको अल्फा और बीटा और गामा कंसीडर करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो वन बाई वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले इसको वेरीफाई अगर करना है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी एक्स, ठीक है ना, अगर 1 अपॉन टू इसका जीरो होगा तो 1 अपॉन टू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। क्लास नाइन्थ से आप लोग जानते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। अच्छा, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में जो आपके बुक्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, हालांकि अगर ये जीरो हटा दें, इसको इरेज कर दें, तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है। अगर सपोज दैट इसको हटा देते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है आपका कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप जीरोज निकालिए। जीरोज निकालने के लिए आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो कि हम क्लास नाइन से जानते हैं कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है आपका, पहली चीज, ठीक है ना। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थ्री लीनियर फैक्टर्स में ये डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर आपका ये जीरोज अगर हैं इसके, सपोज दैट मान लिया अभी हैं इसके अगर ये जीरोज माइनस टू, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 2x माइनस वन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, x माइनस वन आप फैक्टर करेंगे, इसके ये फैक्टर निकल कर आने वाले, जब इसको इक्वल टू जीरो लेंगे तो फिर से यही जीरो जो आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। बट इस तरह के क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी बुक्स में नहीं दिए गए। क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, तो मैंने आपको हिंट कर दिया कि अगर आपको जीरोज निकालने हो तो पहले आप फैक्टराइज करेंगे, जो भी प्रोसेस आप क्लास नाइन्थ में यूज करते थे इसके फैक्टराइजेशन ही हो जाएंगे। उसके बाद जीरो निकालना इक्वल टू जीरो, फिर वन बाई वन, अगर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तीनों जीरो पता लग जाएंगे। उसके बाद वेरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उसी तरीके से है जो आपने क्वाड्रेटिक में किया था, या फिर मैं इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर अगर जीरोज हमारे ये वेरीफाई हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली होंगे, क्वेश्चन ही है कि आपको वेरीफाई करना है, तो उसके बाद जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं उसके बाद प्रोसेस हम वही यूज करेंगे,
ठीक है ना, बट जनरली जो बुक्स में क्वेश्चन लिखे गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, उसमें जीरोज हमें फाइंड आउट नहीं करना है, उसमें क्या है कुछ नंबर्स आगे लिख दिए जाते हैं, थ्री नंबर्स, और हमें वेरीफाई करना पड़ता है वो आपके जीरोज है, ठीक है ना, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना पड़ता है उसके रिलेशन को कि ये जीरो का जो हमारा कोफिशेंट के साथ जो रिलेशन है, जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया वो एज इट इज वही फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस दोनों तरह से पूछे जाते हैं, बट इन जनरल आपकी बुक्स में इसी तरह से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैंने एग्जांपल भी वही लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम पी वन बाई टू यहाँ पर रखेंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वन बाई टू का क्यूब वन अपॉन एट हो जाएगा, वन बाई फोर टू का स्क्वायर वन बाई फोर हो जाएगा आपका, माइनस फाइव इंटू वन बाई टू और प्लस टू, तो ये वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस फाइव अपॉन टू और प्लस टू, तो एलसीएम ले लीजिए, फोर वन प्लस वन माइनस टेन और प्लस फोर टू जाए एट, तो टेन माइनस टेन अपॉन फोर इक्वल टू ये जीरो अपॉन फोर, यानी जीरो आ जाएगा आपका। तो देयरफॉर आसानी से समझ सकते हैं, लिख देंगे वन बाई टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, यानी ये इसका जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर वन रखेंगे, अगर वन रख के कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, कुछ ऐसा इशू नहीं है इसमें कि जो आप ना कर पाए। वन रखेंगे टू प्लस वन माइनस फाइव प्लस टू, तो ये फाइव माइनस फाइव ये जीरो आ जाएगा आपका, रख के देख लीजिएगा। तो देयरफॉर वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख के देखिएगा, वन रखेंगे तो आपके यही नंबर्स मिलने वाले हैं, खुद से करिए इसको आप, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से माइनस टू अगर हमें चेक करना है, तो माइनस टू पुट करेंगे यहाँ पर, आप आसानी से अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम अगर कोई आपको है तो आराम से आप वैल्यू पुट करें, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरली अगर आप कर सकते हैं कि भाई आपको पता है माइनस टू का क्यूब माइनस एट हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इस पर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है आपकी, माइनस सिक्सटीन और ये आपका प्लस सिक्सटीन, यानी ये भी जीरो आ गया आपका। तो देयरफॉर माइनस टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, यानी आपने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर कि तीनों आपके जो है वो जीरो होंगे। पहला क्वेश्चन आपका यही था, ये नंबर्स ये लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, रेफरेंस बुक में भी क्यूबिक पॉलीनोमियल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसको, पहली चीज़, ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो कैसे करना है। दूसरा क्या है कि हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है कोफिशियंट के साथ, ये तो जीरोज आपने वेरीफाई किया कि जीरोज है, ठीक है ना, तो अब कैसे करते हैं वो वेरीफिकेशन। कोफिशियंट आप आसानी से समझ सकते हैं, टू वन माइनस फाइव और टू हैं, ये जीरो जिसके साथ कैसे रिलेट करेंगे वही करने वाला हूँ। सबसे पहला काम आप इसको अल्फा बीटा और गामा लिख लीजिए आप, अगर ये लेट कर लेंगे तो आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, इस तरह से थ्योरी से आप बच जाएंगे अगर आप अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो नंबर वन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, तीनों का सम। तो पहले हम तीनों का सम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर गामा के प्लेस पर माइनस टू है तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है ना, टू इसके बाद वन अपॉइंट टू माइनस वन और हाफ में से माइनस वन जाएगा तो माइनस हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में हम लोग करते थे रबर्क, उसी तरह से आपका रबर्क यहाँ पर नंबर वन माइनस बी अपॉन ए, नंबर टू होता था सी अपॉन ए और नंबर थर्ड, इसको पैटर्न से याद कर लीजिएगा, माइनस टी अपॉन ए, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये आपका नंबर थर्ड अल्फा बीटा गामा होता था, ठीक है ना। उससे पहले आप ए बी सी की वैल्यू जरूर लिखिए यहाँ पर, ए टू है हमारा, बी वन है, सी आपका माइनस फाइव है, क्योंकि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स सिक्वेंस से लिख दीजिए वहाँ पर, आप याद कर सकते हैं, और डी कितना है हमारा, टू है यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस वन अपॉइंट टू, और ये देखिए ये भी बन माइनस वन अपॉइंट टू आ रहा है, यानी दैट मीन्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, हो गया वेरीफाई आपका। नंबर टू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो देखिए अल्फा यानी वन अपॉइंट टू इंटू वन प्लस वन इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू वन बाई टू, इसका वन बाई टू माइनस टू और माइनस वन, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर देता हूँ। प्रोसेस सीख लीजिए आप, कैलकुलेशन खुद से करिए भाई, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा सर थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपकी खुद की अपनी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो आप लोगों ने सीखी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है, जो कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि क्लास टेंथ स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन बाई टू और ये माइनस थ्री हो जाएगा आपका, एलसीएम अगर हम लेते हैं टू डायरेक्ट भी कर सकते हैं अब जैसा आप चाहें, ये माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक है ना, और ये आप जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो रब वर्क में हम सी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे, सी कितना है हमारा भाई, सी ये लिखा हुआ, सॉरी
सॉरी सी आपका माइनस फाइव और ये कितना है टू, तो इसको कैल सिंप्लीफाई भी नहीं आगे कर सकते हैं, तो माइनस फाइव पॉइंट टू, देखिए जरा हमारा भी माइनस फाइव पॉइंट टू आ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया ये सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। थर्ड आपका इसी तरह से, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट करना है आपको नंबर थर्ड, अल्फा बीटा गामा, यानी वन अपॉन टू वन और माइनस टू, ठीक है ना। तो वन अपॉन टू से टू कैंसिल हो गया यानी माइनस वन, तो d की जो, अच्छा ये माइनस वन आ गया आपका। अब हमें चेक करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो रब वर्क करेंगे कि माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, माइनस d हमारा कितना है यहाँ पर टू, टू लिखा हुआ, और ये कितना है हमारे पास वन, वही टू लिखा हुआ है, यानी ये कितना आएगा माइनस वन, तो हमारा भी माइनस वन आ रहा है। बस इस माइनस वन को हमें क्या करना है, माइनस टू अपॉन टू लिखना है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इन द एग्जामिनेशन क्यूबिक के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपको तैयारी हर टॉपिक की करके रखनी है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आपका जो समय चल रहा है वो सब कुछ पढ़ने वाला समय चल रहा है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मैं आपसे कहूँ कि ये वाले क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस करिए, आपके पास रेफरेंस बुक होंगी तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलीनोमियल के दिए गए होंगे, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये लेक्चर आपको जो है या वीडियो आपको जो है वो पसंद बिल्कुल आया होगा आपका, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन होता रहता है, जिस तरह से आप लोगों का मोटिवेशन होता है ना, ठीक है ना, हम लोग करते हैं उसी तरह से आप लोग भी हम लोगों का मोटिवेशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखकर, ओके। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब उसको नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हम वीडियो बनाएं उसके, और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, हम यही चाहते हैं, इसके लिए आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।